कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। यहाँ पे चल रहा है अभी स्नैक टाइम, टी टाइम, क्योंकि वैसे टी टाइम हो या ना हो लेकिन विंटर्स में तो मस्ट होता है टी टाइम। और ख़ास तौर पे अगर गरम गरम समोसों या पकौड़ों की कहीं से खुशबू आ जाए ना बनते हुए, तो बस फिर तो दिल करता है कि अभी अभी हमें भी मिल जाए और हम भी फटाफट से खा लें। तो मेरा आज दिल कर रहा था समोसे खाने का, और समोसे जो हैं वो मैं ख़ुद बनाती हूँ लेकिन कम कम बनाती हूँ, क्योंकि एक तो इनको बनाने में टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है और फिर बनाते बनाते ही जो है ना मेरा दिल भर जाता है, और जब तक बन चुकते हैं तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का उस टाइम पर। बस फिर इसीलिए कभी कभी मैं ख़ुद बनाती हूँ, बना लेती हूँ लेकिन कम कम ही बनाती हूँ। ख़ासतौर पर रमज़ान में बनाती हूँ, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि ढेर सारे बनाने होते हैं। तो समोसे वैसे भी बंदा जब बनाए तो फिर ढेर सारी एक ही दफ़ा बनाए और फ्रीज़ कर दे, ताकि फिर आराम से जो है ना खाते रहें, काफ़ी टाइम चल जाए। तो ये हस्बैंड अभी लेके आए थे समोसे, और इन्होंने उनसे बोला कि आप हमें कच्चे ही देते हैं, हम खुद फ्राई कर लेंगे, ताकि जितने अभी हमने खाने उतने ही फ्राई करें, बाकी जो है वो फिर रखते हैं। इसीलिए हस्बैंड थोड़े से ज़्यादा ले आए थे, तो हाफ़ अभी मैं बनाऊंगी और हाफ़ जो है ना वो फिर मैं फ्रीज़ कर दूंगी। और देखती हूँ साथ में चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरा तो दिल नहीं कर रहा था चाय पीने का, लेकिन हस्बैंड तो पियेंगे तो उनके लिए बनानी पड़ेगी। बस ये समोसे मेरे रेडी हो गए हैं, और अब मैं साथ साथ समोसे खाऊंगी और साथ साथ जो है ना डिनर की तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा किचन में आ गई हूँ तो अब जो है ना एक ही दफ़े किचन का काम फिनिश करके फिर किचन से जाया जाए। डिनर में आज मैंने बनाने हैं आलू मटर। मटर जो है वो मैंने ऑलरेडी छील के फ्रीज करके रखे हुए हैं, तो बस मैंने उनको निकालना है और फटाफट से सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग साथ शेयर किया था ना कि मैं एक वीक की सब्ज़ियाँ वगैरह सारी इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, और फिर एक साथ जो है ना उनको वॉश वगैरह, कटिंग शटिंग जो कुछ करना होता है ना, छीलना वगैरह होता है, वो फिर मैं करके बॉयल वगैरह करके रख देती हूँ उनको। जो चीज़ बॉयल वाली होती है, जो चीज़ छीलने वाली होती है, उस तरह से करके रख देती हूँ। तो बस फिर काम ईजी हो जाता है, हाफ़ काम आपका हुआ होता है, और फटाफट से सब्ज़ी निकालें जो भी बनानी है, और बस मसाला बनाना होता है, सब्ज़ी रेडी हो जाती है। और आप लोग सुनाएं विंटर कैसा जा रहा है आप लोग का, और वहाँ पर कितनी कितनी ठंड है, और आप लोग विंटर को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट कर दिया करें, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए बना होता है, छोटा मोटा कोई भी कमेंट कर दिया करें। और मेरे जो कुछ बहुत पुराने पुराने से सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिनके कमेंट्स पहले आते थे और अब नहीं आते, तो उनमें से अगर किसी का कमेंट आ जाए ना कभी, तो फिर मैं स्पेशली उनको बताती हूँ कि बहुत टाइम के बाद आपने कमेंट किया, तो वो भी फिर आगे से कहते हैं कि अच्छा आपको याद था। तो कमेंट्स आपके सबके मैं पढ़ती हूँ, और जो लोग रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं ना, डेली करते रहते हैं, तो उनके नेम फिर मुझे याद हो जाते हैं और मैं उनको पहचानती हूँ उनके कमेंट्स के ज़रिए कि अच्छा ये जो है ना ये मुझे डेली कमेंट करते हैं और हर वीडियो पर इनका कमेंट होता है। तो कमेंट्स करते रहा करें, छोटा मोटा कुछ भी लिख दिया करें, अगर आपने कुछ लिखना नहीं है तो जस्ट स्माइली भी आप सेंड कर सकते हैं, हार्ट सेंड कर दिया करें, अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स देख के। तो आज मुझे वेट रहेगा, मैं देखती हूँ किस किस का जो है ना न्यू कौन कौन है जिसका आज कमेंट आएगा, क्योंकि पहले जिनके कमेंट्स आते हैं उनके तो नेम मुझे याद होंगे, उनका तो मुझे पता है वो करते रहते हैं वीडियोस पे कमेंट, लेकिन आज मैं देखूंगी न्यू किस किस का है। और जो भी न्यू आता है ना तो अपना नेम ज़रूर लिख के सेंड किया करें, ताकि आपका नेम मुझे याद हो जाए, और अगर किसी वीडियो में मैं आप लोग का नेम शामिल करूँ तो फिर आपका भी नेम शामिल करूँ। तो बस यहाँ पर मटर मैंने अच्छे से भून लिए हैं, और मटर भूनते हुए जो खुशबू आती है ना वो बड़े मज़े की लगती है मुझे, फ्रेश फ्रेश से मटरों की। अगर आपने कभी सूंघी ही नहीं है ना तो सूंघ के देखिएगा, जिस टाइम पे मटर भून रहे होंगे ना उस टाइम पे सूंघिएगा, क्योंकि मटर पकने के बाद वो खुशबू नहीं आती, वो सिर्फ भूनते हुए आती है। बस अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, प्रेशर लगा दूँगी, क्योंकि वैसे जो है ना मटर गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि 2-3 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे देती हूँ, तो फटाफट से मटर गल जाते हैं और रेडी हो जाते हैं। और साथ साथ अभी यहाँ पे मैं आटा गूंदने लगी हूँ, क्योंकि डिनर जो है ना आजकल मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा जल्दी रेडी कर लूँ, तो बस शाम को ही जो कुकिंग वाले मेरे जो ज़्यादा काम होते हैं ना ज़रूरी वाले, वो फिर मैं शाम को जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि रात को फिर गैस चली जाती है और उसका पता नहीं होता किस टाइम पर जाएगी, किस टाइम पर आएगी। और गैस का मेरे ख्याल में आजकल हर जगह पर इशू है, सबकी गैस जा रही है। एक तो ठंड इतनी शदीद हो गई अब, और ऊपर से फिर गैस भी चली जाए तो काफ़ी मसला हो जाता है। फिर कुकिंग जो है वो तो ज़्यादातर मैं शाम को कर लेती हूँ, और रात को अगर हमें एमरजेंसी में कुछ बनाना पड़ जाए ना, तो फिर हम लोग इस तरह से करते हैं कि हीटर वगैरह बंद करते हैं, गीज़र वगैरह ऑफ़ करते हैं,
और फिर जो है ना छोटा मोटा कोई चाय चाय जो है वो बन जाती है। और जो हीटर भी आजकल दिन को ही हम लोग ऑन कर लेते हैं ताकि घर एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि रात को जब गैस जाती है ना उस टाइम पे बिल्कुल भी हीट नहीं होती उसकी, हल्की हल्की गैस आ रही होती है लेकिन हीटर उस तरह से काम नहीं कर रहा होता। होता इस तरह से है ना कि जिस दिन मैं कुकिंग वगैरह सारी कर लूँ, हम लोग डिनर वगैरह कर चुके हों, उस दिन गैस नहीं जाती, लेकिन जिस दिन मुझे कुछ बनाना पड़ जाए या डिनर हमने अभी तक ना किया हो या मैं लेट हो जाऊँ ना, उस दिन गैस लाजमी जाती है। तो खैर यहाँ पर मटर मेरे रेडी हो गए हैं, बस अब इसके ऊपर मैं गर्म मसाला डाल दूँगी, क्योंकि मटरों के ऊपर इस तरह के शोरबे वाले जो सालन होते हैं ना उसके ऊपर गर्म मसाला मुझे बड़े मज़े का लगता है। और ढेर सारा इसके ऊपर मैं बस धनिया डाल दूँगी, अगर फ्रेश धनिया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ियों के ऊपर। थोड़े बहुत जो बर्तन जमा हो चुके थे उनको मैंने वॉश कर दिया और किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दिया ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो जब भी मैंने कुकिंग वगैरह स्टार्ट करनी होती है ना तो पहले मैं किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जी नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जी गाजर का हलवा। जी गाजर मैंने मंगवा के रखी हुई थी तो इनको भी मैं छीलने लगी हूँ। और गाजर के हलवे के लिए सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है गाजरों का क्रश करना, क्योंकि मेरे पास कोई मशीन वगैरह नहीं है, क्रशर वगैरह नहीं है। लास्ट ईयर भी मैं चाह रही थी कि मैं ले लूँ, मैंने मेट्रो से भी देखा और भी काफ़ी जगहों से देखा, लेकिन जो भी मशीन थी ना वो पूरी फूड फैक्ट्री मिल रही थी, मतलब अलहदा से सिर्फ कोई क्रशर नहीं मिल रहा था सिर्फ गाजरों के लिए। तो इस वजह से फिर उस टाइम पे भी मैंने नहीं लिया, मैं रह गई उस टाइम पे भी। और अभी लास्ट टाइम भी जब मैंने क्रॉकरी शॉपिंग की थी ना तब वहाँ से भी मैंने पता किया था कि कोई सिर्फ जो क्रशर हो ना वो मुझे मिल जाए, पूरी फूड फैक्ट्री ना लेनी पड़े। लेकिन जो भी था वो जूसर था पूरा या फिर क्रशर पूरी फूड फैक्ट्री थी, उसी के बीच में ऑप्शन होता है, अलहदा से कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अगर आप लोग में से किसी के पास ऐसी कोई मशीन है जिसमें पूरी फूड फैक्ट्री साथ में ना हो या पूरा कोई जूसर वगैरह ना हो, सिर्फ क्रशर का ऑप्शन हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा या इंस्टा पे मुझे उसकी पिक्चर वगैरह सेंड कर दीजिएगा, मुझे कंपनी नेम बता दीजिएगा, क्योंकि मैं लेना चाह रही हूँ लेकिन मुझे इस तरह का कोई मिल नहीं रहा। गाजरों को मैंने छील लिया था और उनको वॉश करके फिर मैंने हस्बैंड को दिया कि मुझे क्रश करके दें, तो ये उन्होंने भी मुझे क्रश करके दिए सारी गाजरें, क्योंकि मैं अगर अभी क्रश करने बैठ जाती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता और फिर मेरे बाजू में भी दर्द होते रहना था। तो मैंने कहा ये काम आप मुझे करके दें। तो साल में ये होता है कि एक दो दफ़ा बनता है गाजर का हलवा और वो फिर उन्हीं से मैं क्रश करवाती हूँ, मैंने कहा जब तक अब मशीन नहीं है तो फिर मुझे कम से कम क्रश तो करके दें। तो ये काम उन्होंने कर दिया और अब बस मैं इसको रखने लगी हूँ हलवा बनने के लिए। अभी सबसे पहले तो गाजरों को मैंने इस बड़े वाले पतीले में डाल के और इनको बस कवर करके रख दिया ताकि इनका अपना जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैंने इनको रखा है ताकि नीचे भी ना लग जाए। और यहाँ पर दूध भी जो है मैंने बॉयल करके रखा हुआ है शाम से ही, ये मैंने आज एक्स्ट्रा लिया था दूध इसके लिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए स्पेशली लिया था। तो बस ये गाजरों का पानी ड्राई हो गया है और अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी, और जब मैंने डाली थी तो कितनी ज़्यादा गाजरें थी और आप देखें कितनी रह गई हैं। और गाजरों का हलवा बनने में आपको पता है कितनी देर लग जाती है, आधी रात हो गई थी मुझे हलवा बनाते बनाते, लेकिन मैंने साथ साथ जो है रिकॉर्ड किया आप लोग के लिए ताकि आप लोग के साथ भी मैं रेसिपी शेयर कर सकूं। और कोई इतनी कुछ मुश्किल इसकी रेसिपी नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ बनाती हूँ और कुछ भी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि खोया वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे अच्छे नहीं लगते इसमें, मैं कहती हूँ जस्ट गाजरें हूँ इसमें। तो
तो गाजरों में मैंने दूध डाल दिया है सारा। गाजरें तकरीबन 3 किलो थीं और दूध भी जो है वो इस तरह 3 किलो ही था, जितनी गाजरें थी उतना ही दूध भी था। और कटिंग वगैरह छीलने के बाद आपको पता है गाजरें थोड़ा सा कम हो जाती हैं, लेकिन दूध फिर भी मैं उतना ही डालती हूँ उसमें। और ये देखें पतीली का हाल, जिसमें दूध बॉयल मैंने किया हुआ था किस तरह से इसमें लगा हुआ है। तो कहते हैं कि इस तरह से अगर पतीली में दूध लगा हुआ हो ना तो वो दूध अच्छा होता है, और वाकई में दूध है भी अच्छा जो हम लोग लेते हैं। दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ ताकि एक दफ़ा दूध बॉईल हो जाए ना फिर मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी। तो ये देखिए अभी मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा हुआ था, तो ये एक दफ़ा बॉईल हो गया और अब जो है ना इसका फ्लेम मैं कम कर दूँगी ताकि दूध बॉईल भी होता रहे, मतलब पकता भी रहे और दूध गिरे भी नहीं, क्योंकि इस तरह अब ये 2-3 घंटे पकता रहेगा और अब फिर साथ खड़ा तो नहीं हुआ जा सकता। तो फिर ये कि मैं इसको लो फ्लेम पर रख दूँगी और थोड़ी देर के बाद जो है ना आके इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। उसके बाद ये देखें अब दूध जो है वो ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ क्रीम। और आप अगर घी ऐड करना चाहें तो आप इसमें घी ऐड करते हैं, वैसे तो नॉर्मली लोग घी ऐड करते हैं, देसी घी या फिर ऐड करते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मैंने क्रीम जमा करके रखी होती है तो फिर या फिर मैं उसका जो है देसी घी बना के वो ऐड कर देती हूँ, या फिर मैं इसमें डायरेक्ट क्रीम ही ऐड कर देती हूँ। तो अभी इसमें बिल्कुल जो है दूध बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल कम सा रह गया था। तो अब मैंने इस जगह पे इसमें क्रीम ऐड कर दी है, और क्रीम जो है वो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, इसको भी मैंने काफ़ी टाइम से बाहर निकाल के रखा है लेकिन अभी भी ये पूरी तरह डीफ्रीज नहीं हुई। तो इसको भी मैं इसमें डाल के थोड़ी देर मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये जो है ना अच्छे से डीफ्रीज़ हो जाए, खुल जाए क्रीम सारी। और इसको भी जो है फिर मैं पकाती रहूँगी, जिस तरह से दूध हमने इसमें खुश किया ना इसी तरह से ये क्रीम भी इसमें सारी मिक्स हो जाएगी और इसका जो एक्स्ट्रा जो दूध पानी वगैरह निकलेगा ना वो इसमें ड्राई हो जाएगा और ख़ुद ब खुद इसमें जो है ना वो घी सा निकल आएगा, इसका देसी घी खुद ही इसमें ही बन जाएगा। और पहले दूध भी इसमें डाल के हमने ड्राई किया, उसके बाद अब मैंने क्रीम भी इसमें डाल दिया तो खोए वाला इफेक्ट खुद ब खुद इसमें आ जाएगा, मैं इसमें अलग से खोया ऐड नहीं करती। तो ये जो क्रीम मैंने इसमें फ्रेश क्रीम मैंने इसमें ऐड किया ये थी तकरीबन 2 कप, और 3 किलो गाजरों के लिए 2 कप क्रीम बहुत है अगर आप क्रीम ऐड करना चाहें तो। तो ये देखें क्रीम जब डीफ्रीज हो गई थी तो उसके बाद भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पका लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी, और 3 किलो गाजरें थी तो उसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप चीनी। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 2 कप जो है ना ये बिल्कुल मुनासिब थी। और ये देखें ये वही चीनी है जो 2 मंथ पहले मैंने आप लोग के साथ ग्रॉसरी हॉल में शेयर किया था, उस टाइम से अभी तक ये चीनी यूज़ नहीं हुई। तो ये मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने ओपन किया और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, तो मुझे याद आ गया था कि ये जब से मैं लेके आई हूँ ये उसी तरह से मैंने इसको रखा हुआ है, और अभी मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम खोला है क्योंकि कोई मीठा वगैरह मैंने उस टाइम से बनाया ही नहीं। और चाय और दूध वगैरह जो मैं अपने लिए गर्म करती थी तो मैं उसमें जो है शक्कर ऐड कर देती थी। और डाइटिंग भी जो मैंने स्टार्ट की हुई थी वो फ़िलहाल मैंने छोड़ दी क्योंकि 2 मंथ हो भी गए थे, और वैसे भी विंटर्स में जो है ना सारे समोसे पकौड़े और हलवे पराठे वगैरह होते हैं तो वो अब ना खाए तो फिर कब खाने मैंने। तो दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, समर में स्टार्ट करूँगी। और फ़िलहाल जो मॉर्निंग टी है मेरी और दिन में जो ग्रीन टी वगैरह मैं लेती थी वो उसी तरह से मैं ले रही हूँ, और ब्रेकफास्ट भी मैं ओट मील का ही कर रही हूँ, लेकिन ये है कि वीकेंड पे पराठे वगैरह खा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी, उसको मैंने अच्छे से भून लिया, और मेरा हाथ अब इतना थक चुका था कि मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए जो ना आप इसको पकाएं क्योंकि अब मेरी तो मज़ीद हिम्मत नहीं है इसमें चमचा हिलाने की। तो अब जो है सबसे एंड में मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया ख़ुद से इलायची पीस के, और वो मैंने इसके छिलके अलग कर दिए थे और बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो हलवा यहाँ पर रेडी हो गया है, और इसको पकाते पकाते काफ़ी देर हो गई थी, आधी रात हो गई थी तकरीबन। तो इसकी फाइनल लुक भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह की जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना जिसको बनाने में काफ़ी देर लग जाती है, उसकी खुशबू मुझे आती रहती है, तो मैं फिर उसका टेस्ट अगर उस टाइम पे मैं उसको टेस्ट करूँ तो उसका टेस्ट मुझे नहीं आता सही से। तो इस हलवे का भी अब टेस्ट जो है ना वो मुझे कल सही से आएगा कि ये किस तरह का बना है। खैर इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोग से मैं मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।